दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी स्विगी। साई प्रणाम, श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटवन परिवार की ओर से हमारे दर्शकों को एक विनम्र अपील है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि ये लॉकडाउन जो है कोरोना वायरस के चलते 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और इस द्वितीय फेस वाले लॉकडाउन में इसका कड़ाई से, पिछले से भी ज़्यादा बार से कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा। तो सिटी वन परिवार की ओर से अपील है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस के वॉरियर के तौर पर अपने आप को महफूज रखें। अब नज़र डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का दिया निर्देश, कहा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है ये कदम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों से कहा दूसरे चरण के लॉकडाउन का कराए कड़ाई से अनुपालन। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिलाधिकारी ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन में स्वास्थ्य की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी ने टेलीमेडिसिन सुविधा का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों पर जिले के आला अधिकारियों ने लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाए जाने पर लोगों से लॉकडाउन का 100% अनुपालन करने की अपील। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सहजनवा तहसील में बन रहे भोजन व राहत सामग्रियों का किया निरीक्षण। रोटरी क्लब के अध्यक्ष ने सीएम कोविड केयर फंड में डीएम को सौंपा 1,25,000 रुपए का सहयोग राशि। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आगामी 3 मई तक पूर्वोत्तर रेलवे के सभी मेल पैसेंजर और डेमो ट्रेनों का रोका गया आवागमन। राजघाट इंस्पेक्टर ने पेश की मानवता की मिसाल, 80 वर्षीय वृद्धा को अस्पताल ले जाकर कराया इलाज। 3 मई तक के लॉकडाउन के मद्देनजर मुस्तैद हुआ सीएम सिटी का स्वास्थ्य विभाग। कच्ची शराब बनाने वाले 2 कारोबारियों को पुलिस ने दबोचा, 100 किलो लहन सहित अन्य सामग्री को किया बरामद। चिलवाताल पुलिस की कार्रवाई से कच्ची शराब कारोबारियों में हड़कंप। महिला थाने की टीम द्वारा तैयार किया जा रहा है जरूरतमंदों के लिए रोजाना भोजन। आबकारी विभाग ने बेलघाट थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 140 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद, लगभग 7,000 किलोग्राम लहन व 6 भट्टियों को किया नष्ट। लॉकडाउन में बेजुबानों जानवरों का सहारा बना कम्युनिटी किचन। और लॉकडाउन में बेसहारा मजदूर और असहाय लोगों के लिए सामाजिक लोग लगातार लंच पैकेटों का कर रहे हैं वितरण।